हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो में हम ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर जो है वो सेम होगा दोनों नेशन में, लेकिन टेस्ट डिफर करेगा, यानी जो इनडिफरेंस मैप है वो डिफरेंट होगा दोनों नेशंस के लिए, प्रोडक्शन फ्रंटियर सेम होगा। The difference in pre-trade relative commodity price between nation 1 and nation 2 in figure 3.3 and 3.4 was based on difference in production frontier and in difference curves in two nation. जो हमने पहले videos में देखे हैं figures, उसमें आपको production frontier भी different था। Like if I draw it, production frontier कुछ nation 1 का ऐसे था, nation 2 का ऐसे था, और in difference map भी different था। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट थी, यानी टेस्ट भी अलग है एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर भी अलग था। उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि प्री ट्रेड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफरेंट है दोनों नेशन के बीच में, और ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल हो पा रहा है। दिस डिटरमाइन द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच नेशन एंड सेट द स्टेज फॉर स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। तो उसी के बेसिस पे उनका म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड भी हुआ और कंपैरेटिव एडवांटेज भी कैसे डिटरमाइन हुआ वो हमने देखा। विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इवन इफ टू नेशन हैव आइडेंटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विच इज़ अनलाइकली, देयर विल स्टिल बी बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इन इफ टेस्ट और डिमांड प्रेफरेंसेज इन टू नेशन डिफर। तो पहली बात ये आती है कि हमने अब तक जो देखा, हमने देखा कि प्रोडक्शन फ्रंटियर भी डिफरेंट है, इंडिफरेंस मैप भी डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ दोनों नेशन में सेम हो, दूसरी चीज़ अलग हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फ्रंटियर सेम हो, पीएफ सेम हो, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट हो, यानी टेस्ट डिफरेंट हो, तो क्या ट्रेड बेनिफिशियल है? और दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्शन फ्रंटियर डिफरेंट हो लेकिन टेस्ट सेम हो तो क्या बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबल है? तो वही हम देखेंगे अभी वाले जो इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, मीनिंग दिस प्रोडक्शन फ्रंटियर सेम है दोनों नेशन का, जो बहुत रेयर है रियलिटी में, लेकिन हो सकता है प्रोडक्शन फ्रंटियर सेम हो। हमें तो थियोरेटिकल बेस पे देखना है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। सो हम अभी वाले वीडियो में ये देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एचओ थ्योरी आपको बताया कि एचओ थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जब टेस्ट सेम है तो प्रोडक्शन फ्रंटियर डिफरेंट होने के वजह से कैसे बेनिफिशियल ट्रेड होगा। द नेशन विथ रिलेटिवली स्मॉलर डिमांड और प्रेफरेंस फॉर कमोडिटी विल हैव, जिनका स्मॉलर डिमांड है, डिमांड बहुत कम है, या कोई भी कमोडिटी पे प्रेफरेंस कम है, उनका ऑटार्की रिलेटिव प्राइस लो होगा एंड अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन दैट कमोडिटी। तो उनका रिलेटिव कमोडिटी प्राइस भी लो होगा और कंपैरेटिव एडवांटेज भी उसी कमोडिटी में होगा। The process of specialization in production and trade would then follow exactly as described. उसी basis पे then जिस commodity का demand कम है and preference commodity का कम है, उसका autarky relative price कम होगा, इस वजह से comparative advantage उस commodity में होगा। Illustration of trade based on difference in taste. Trade based solely on differences in taste is illustrated in figure. Since the production frontier of two nations are now assumed to be identical, they are represented by a single curve with indifference curve I tangent to the production frontier at point A for nation 1 and indifference curve I dash tangent to A dash for nation 2. Pre-trade relative price of X is lower in nation 1, thus nation 1 has comparative advantage in commodity X and nation 2 in commodity Y.
सो इस डायग्राम में जो प्रोडक्शन फ्रंटियर है वो आप एक ही देख सकते हो, एक ही प्रोडक्शन फ्रंटियर है। ये नेशन वन का इंडिफरेंस कर्व है, ये नेशन टू का इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे नेशन वन का इंडिफरेंस कर्व वन ए पॉइंट पे टेंजेंट, यानी ए पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, पी ए उनका रिलेटिव प्राइस है यानी पी एक्स बाय पी वाई है। आई अगेन रिपीट ओवर योर, यहाँ पे पी एक्स बाय पी वाई जो भी वैल्यू होगा वो डेरिवेटिव्स यूज़ करके डिटरमाइन होता है, क्योंकि मुझे उसके बेसिस पे क्वेश्चन एक दो वापस आए हैं कमेंट्स पे कि कैसे डिटरमाइन हुआ, तो वो डेरिवेटिव्स यूज़ करके डिटरमाइन होता है, क्योंकि कर्व यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है, तो इस वजह से डेरिवेटिव्स या तो टेंजेंट बना के डिटरमाइन होता है। इस वजह से उन्होंने पहले से ही आपको वैल्यू निकाल के दे दी है, सिर्फ आपको समझना है हो क्या रहा है। यहाँ पे पी ए डैश पे जो है टेंजेंट है, पी ए डैश पी एक्स बाय पी वाई जो रिलेटिव प्राइस यहाँ पे है। अब हमें पता है यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे जो होता है वैल्यू वो रिलेटिवली लेस होता है, पी ए पे रिलेटिवली लेस होता है देन पी ए डैश। हमारा इंक्रीजिंग पी पी एफ अगर कॉनकेव है तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कम होगा। इफ़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे स्लोप 4 होगा, तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा। सो पी ए यानी पी एक्स बाय पी वाई इन नेशन वन इज़ लेस देन पी एक्स बाय पी वाई इन नेशन टू, तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो नेशन वन का एक्स कमोडिटी में होगा, एक्स में स्पेशलाइज करेगा नेशन वन। सो आई होप ये पहले की तरह ही है जैसे हमने डिटरमाइन किया था, डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ एक है कि प्रोडक्शन फ्रंटियर अब हमारा सेम हो गया है और दोनों इंडिफरेंस कर्व यानी जो नेशन वन का है और नेशन टू का है वो अलग अलग जगह पे टेंजेंट है इस प्रोडक्शन फ्रंटियर से। विथ ओपनिंग ट्रेड नेशन वन स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स मूव्स डाउन इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर व्हाइल नेशन टू स्पेशलाइज इन बाय मूव्स अप इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑन इट्स ओन प्रोडक्शन फ्रंटियर स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू अंटिल पी एक्स बाय पी वाई इज सेम इन बोथ नेशन एंड ट्रेड इज बैलेंस्ड। तो ये क्या करेगा, नेशन वन जो है वो स्पेशलाइज करेगा एक्स में, यानी पहले वो 160 एंड से यहाँ पे क्या है 40 प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो स्पेशलाइज करने के बाद बी पॉइंट पे आएगा जहाँ पे 120 वाई एंड 120x प्रोड्यूस कर रहा है। सो हियर इट इज़ प्रोडक्शन हैपनिंग, ठीक है। सो स्पेशलाइज किया है एक्स में नेशन वन में, नेशन टू स्पेशलाइज करेगा वाई में, यानी ऐसे ऊपर जाएगा, इफ़ यू कैन सी ऐसे ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें निकाल देती हूँ सो इट विल बी क्लियर। सो जो नेशन टू है वो मूव करेगा अपवर्ड्स प्रोडक्शन फ्रंटियर में, एंड पहले यहाँ पे था यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, यानी एक्स को थोड़ा कम करेगा एंड वाई को बढ़ाएगा, यानी इस तरफ मूव करेगा। वाई में स्पेशलाइज करेगा नेशन टू, एक्स में स्पेशलाइज करेगा नेशन वन, और ये तब तक होता रहेगा जब तक पी वाई पी एक्स बाय पी वाई इन नेशन वन इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई इन नेशन टू, ये तब तक होता रहेगा। और इस सिचुएशन में रिलेटिव प्राइस सेम होने हो जाएगा तब तक स्पेशलाइज होगा, इस सिचुएशन में ट्रेड जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। मूविंग अहेड दिस अकर्स एट पॉइंट बी, तो ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड बैलेंस हो गया है या रिलेटिव कमोडिटी प्राइस सेम हो गई है, वो है पॉइंट बी which coincides with P dash where PB is equals to PB dash is equals to 1. Nation 1 then exchanges 60X for 60Y with nation 2, trade triangle BCE and ends up consuming at E on its indifference curve 3. Nation 1 thus gains 20X and 20Y as compared to point A.
सिमिलरली नेशन टू एक्सचेंज 60Y फॉर 60X विथ नेशन वन बी डैश सी डैश ई डैश एंड एंड्स अप कंज्यूमिंग एट पॉइंट ई डैश ऑन एन डिफरेंस कर्व 3 डैश ऑल्सो गेनिंग 20X 20Y फ्रॉम पॉइंट ए डैश. तो यहाँ पे नेशन वन जो है वो बी पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा वेयर ही इज़ गेनिंग. आप ए पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं, ए पॉइंट में 40X बना रहा था, अब बी पॉइंट पे 120X बना रहा है. सो ऑलमोस्ट 60X ज़्यादा बना रहे हैं. नेशन वन की बात हो रही है एंड पहले 160Y बना रहे थे, अब 120Y बना रहे हैं विच इज़ 40Y कम. ठीक है एंड नेशन टू जो है वो स्पेशलाइज कर रहे हैं वाई में. सो एक्स कितना बना रहे हैं, एक्स पे कितना कम किया पहले वो देखते हैं. सो नेशन टू जो है पहले यहाँ पे थे दैट इज़ 40Y से अब आ गए हैं इस पॉइंट पे विच इज़ 120Y. ओके वाई पहले देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम. सो इसमें हो जाता है 60Y ज़्यादा बना रहे हैं. एक्स देखते हैं 160X पहले बना रहे थे एंड अब 120X बना रहे हैं विच इज़ 40X कम. अब गेंस कितना हुआ, अब एक्सचेंज जो हो रहा है वो हो रहा है 60X फॉर 60Y, यानी नेशन वन 60X देगा रिटर्न में 60Y मिलेगा. सो ये 60X तो जो बड़ा है वो उन्होंने इनको दे दिया नेशन टू को, यहाँ पे 60Y जो बड़ा है वो इनको दे दिया नेशन वन को. यहाँ पे उनको 60Y बड़ा है तो 20Y में गेन हुआ है एंड यहाँ पे कितना गेन हुआ है, 20X गेन हुआ है, राइट. सो अगर आप कंजम्पशन पॉइंट पे जाओ तो कंज्यूम कितना कर रहे हैं वो अब आपको कंपेयर करना है. तो अगर आप ए पॉइंट से इस पॉइंट को कंपेयर करो ई पॉइंट को, तो आप देखोगे नेशन वन 20X एंड 20Y ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, नेशन टू भी 20X 20Y ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, यानी वो हायर इन डिफरेंस कर्व पे है. और हमने यही बात की थी जब हायर इन डिफरेंस कर्व पे जाते हैं इसका मतलब बेनिफिशियल हुआ दोनों नेशन के लिए. ठीक है, सो हमने देख लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन सेम हो, टेस्ट डिफरेंस हो, तो भी ट्रेड बेनिफिशियल होगा, तो इन डिफरेंस कर्व हायर हो जाता है. Thus, mutually beneficial trade can be based exclusively on difference in taste between two nation. तो एक्सक्लूसिवली अगर डिफरेंस टेस्ट पे बेस्ड है तो भी बेनिफिशियल होगा. इन चैप्टर 5 वी विल एग्जामिन द ऑपोजिट केस वेयर ट्रेड बिटवीन टू नेशंस इज बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट एंड प्रोडक्शन फ्रंटियर. तो मैंने जैसे बोला दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर डिफरेंट है और हमारा टेस्ट सेम है, यानी एक ही इंडिफरेंस कर्व है या इंडिफरेंस मैप सेम है, तब क्या बेनिफिशियल होगा, तो वो किससे पता चलता है, HO थियोरी से. ओनली इफ़ द प्रोडक्शन फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस कर्व्स आर आइडेंटिकल इन बोथ नेशन विल द प्री ट्रेड रिलेटिव कमोडिटी प्राइस बी इक्वल इन बोथ नेशन रूलिंग आउट पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड. कब बेनिफिशियल ट्रेड नहीं होगा, जब आपका प्रोडक्शन फ्रंटियर भी सेम है एंड आपका इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस मैप या टेस्ट, इंडिफरेंस कर्व से क्या टेस्ट पता चलता है, तो टेस्ट भी या डिमांड भी सेम है. जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो फिर फ़ायदा क्या, ट्रेड करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, राइट. तो इस वजह से बेनिफिशियल ट्रेड नहीं हो पाएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.